गई सुबह, हो गई सुबह, हो यार वाकई सुबह हो गई। आज तो मैं शादी करके ही रहूंगा, कहां से शुरू करूं? पंडित जी को फोन करता हूं। पंडित जी नमस्कार। अरे भाई आप अब तक सो रहे हैं? नहीं नहीं मैं नाराज नहीं हो रहा, मैं महेश बोल रहा हूं। जी हाँ, नहीं नहीं स्वर्ग से नहीं पंडित जी, मैं तो धरती से ही बोल रहा हूं। आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं नहीं मैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला महेश नहीं हूं, मैं तो डॉक्टर महेश बोल रहा हूँ। जी हाँ, जिसकी आज आप शादी करवाने वाले हैं। नमस्कार नमस्कार पंडित जी, तो मैं कह रहा था कि आप जल्दी से मंदिर पहुंच जाएं, हाँ कहीं मुहूर्त ना निकल जाए। जी हाँ मुझे मालूम है शादी 12 बजे की है, लेकिन भाई आजकल के जमाने में 12 बजने में कितनी देर लगती है। जस्ट जोकिंग। तो आप पहुंच जाइएगा वक्त पे हैं, लेकिन अब सोइएगा नहीं दोबारा। ओके धन्यवाद, नमस्कार नमस्कार। अब हाँ भाई, सबसे जरूरी तो पिया जी हैं। हेलो हेलो पिया जी, आप सो रही हैं? अरे आज आपकी शादी है और आप सो रही हैं? अरे प्रभु तो 12 बजे है ना। अरे पिया जी आप अभी तैयार होना शुरू होंगी तो 12 बजे तक रेडी होंगी ना। वैसे पिया जी आप सो कैसे सकती हैं? भाई आपकी शादी है, आपको कोई टेंशन नहीं इस बात की? सारी चिंता तो आप कर लेते हैं, मेरे लिए कुछ बचता ही नहीं। कितनी नसीबवान है वो औरत जिसे चिंता करने वाला पति मिलता है। अच्छा वैसे पिया जी आज तो मैं भी बहुत खुश हूँ। किसी महान आदमी ने कहा है कि हर इंसान को शादी जरूर करनी चाहिए, ये कभी घाटे का सौदा नहीं हो सकता। वो कैसे? भाई वो ऐसे, अगर आपकी बीवी अच्छी निकल आई तो आप खुश और आपकी बाकी की जिंदगी भी खुशगवार गुजरेगी, और अगर बुरी निकली तो कम से कम आप फिलोसफर तो बन ही जाएंगे। अच्छा अगर पति बुरा निकला तो? हमें नहीं बाबा फिलोसफर बनना है। भाई औरत चाहे भी तो फिलोसफर नहीं बन सकती, उसके लिए दिमाग चाहिए ना। What I mean is, आप पत्नी बनिए पिया जी, भाई पत्नी से बड़ा दर्जा हो सकता है किसी का? पत्नी बनकर राज कीजिए आप। महेश जी आज तो अपनी शादी हो जाएगी ना? अरे जरूर होगी पिया जी, हर हाल में होगी। आप जल्दी से तैयार होकर यहाँ आ जाइए, फिर मंदिर चलेंगे, इससे पहले कोई प्रलय आ जाए। मैं शादी कर लेना चाहता हूँ बस। ये प्रलय कौन है? कौन प्रलय? प्रलय मतलब विपदा पिया जी। भाई कोई भी विपदा आने से पहले मैं शादी कर लेना चाहता हूँ। ये विपदा कौन है? कौन है मतलब? अरे भाई कोई नहीं, ये तो एक शब्द है। नहीं नहीं ये जरूर लड़कियों के नाम है जो आपके मुंह से निकले हैं, जिनके डर से आप जल्दी जल्दी शादी करना चाहते हैं। ओ पिया जी ये हमारी मातृभाषा हिंदी के शब्द हैं। प्रलय और विपदा, इनका मतलब होता है मुसीबत या प्रॉब्लम। भाई ये लड़कियों के नाम जैसे साउंड करते हैं लेकिन नाम नहीं है। नहीं नहीं मुझे लग रहा है जिस तरह से आपके मुंह से ये नाम निकले हैं ना, आपकी जिंदगी में आई हुई लड़कियों के ही नाम है ये। अरे कैसी पत्नियों वाली बात कर रही हैं पिया जी आप? पहले आप इधर आइए, पत्नी बन जाइए, फिर हम बैठकर आपकी सारी शंकाएं दूर कर देंगे। नहीं नहीं पहले आप बताइए। तो उसके लिए तुरंत आए, आ रही है ना? थैंक यू, हम इंतजार करेंगे। हेलो हेलो मैं हेलो। हे भगवान, ये झटका देके कुछ कहना तो नहीं चाह रहे हैं, पर मैं तो भैया शादी करूंगा जरूर। अब किसको उठाऊं? शेरू। हेलो शेरू। मेशी तू मेरे ख्वाबों में, ये मुझे क्या हो गया? ओ शेरू सुबह हो गई है, मुर्गे ने कंफर्म कर दिया है, अब तू जाग जा। और ये वो सुबह है जब तेरे यार की शादी है। शादी तेरी हो रही है, जागना तुझे चाहिए, तू मुझे जागने को कह रहा? ओ यार शेरू आशीर्वाद तो तूने ही देना, अब तेरे सिवा मेरा है भी कौन? मैं नहीं चाहता यार तेरे आशीर्वाद के चक्कर में मेरी शादी डिले हो जाए, अब जल्दी से उठ जा और जल्दी आ जा। आशीर्वाद देने के लिए मैं अपनी बैसाखी भेज दूं? हाथ तो मेरा टूटा पड़ा,
ओए मिशी, तेरे पास थोड़े से पल हैं, ओए चैन से सो जा। एक बार शादी हो गई फिर चैन कहाँ। ओए यार तू जल्दी से उठ और जल्दी आ, नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। शादी नेक काम है? ओए फिर तो तू शादी ना कर, जमाना खराब है मिशी, इस नेकी का फल बहुत बुरा होता है। दिल ढूंढता है फिर वही, फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुर जाना। महेश भाई सबका दो बार फोन आ चुका है और आप तो तैयार भी नहीं हुए। ये मेशी तो बड़ा ही उतावला होता जा रहा है। इस उम्र में सोचना चाहिए उसे अपनी पेंशन के बारे में, और जगा बैठा अपना पैशन। होना माना उससे कुछ है नहीं। वे, 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 चारू, तुझे तो देखते ही आज मेरे सोए अरमान जाग उठे हैं। रहने दो जी, मैं तो हमेशा ही ऐसी लगती हूँ, आजकल आप ही नहीं देखते मेरी तरफ। आजकल तो हम टूटे पड़े हैं, जब ठीक थे तो काम में पड़े रहते थे। लगता है जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी पड़ेगी। मैं भी मेशी की तरह दूसरी शादी कर लेती हूँ। दूसरी शादी किससे? जिससे मेशी कर रहा है, मेरा मतलब है किसी दूसरी से। महेश भाई साहब की तो पहली चल बसी, इसलिए वो दूसरी कर रहे हैं, उन्हें तो मजबूरी है। मजबूरी नहीं है, किस्मत है, मजबूर तो हम हैं। हाय हाय, कैसे हो ना, अभी अभी तो मेरी तारीफें कर रहे थे। ओए तारीफें तो मैं तेरी सारी उम्र करता रहूंगा, तारीफों का स्टॉक हमारा खत्म नहीं होना। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक आध अगर घर में आ जाए तो तेरा भी मन लगा रहेगा और मेरा भी इधर उधर झांकना बंद हो जाएगा। कहे तो ले आऊं दूसरी। शमशेर सिंह जी, बीवी एक ही समझ जाए ना तो काफी है, वरना मैं तो दिन ब दिन खूबसूरत हो ही जा रही हूँ। ये ना हो कि इस एक से भी हाथ धोना पड़ जाए। हाँ, कैसी बातें कर रही है चारू, घर की लक्ष्मियाँ कभी ऐसी बातें करती हैं? अच्छा, और घर के लक्ष्मण करें तो चलता है? सुनो जी, अब वो जमाना गया जब घर की औरतों को लक्ष्मी सीता सावित्री कहकर कूटे से बांध के रख लें। अब आप उड़ोगे ना तो हम भी उड़ेंगे। हाँ, मुझे छोड़कर तू उड़ भी सकती है? ये जानकर बड़ा दुख हुआ। जब तुझे ब्याह कर लाया था चारू, तो तेरे पियो ने कहा था कि मेरी बेटी गाय है गाय। आज गाय उड़ने की बात कर रही है। सुनो जी, मैं तो आज भी गाय हूँ, भला मैं आपको छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ? हाँ, अभी अभी तो कह रही थी मैं उड़ जाऊंगी। वो तो मैं आपको डरा रही थी। तो मतलब चारू तू मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी? कभी नहीं। बीच बीच में अगर मैं बुरा भी लगने लगूं तो भी नहीं? तो भी नहीं, बहुत प्यार जो करती हूँ मैं आपसे। पर मैं तो इधर उधर उड़ता रहूंगा, है ना? चारू मर्द हूँ, उड़ना फितरत है हमारी, और मैं तो बता के उड़ रहा हूँ, समझा कर। ठीक है, उड़ लो जितना दिल करे उड़ लो, वापस तो मेरे पास ही आओगे। ये हुई ना असली बीवियों वाली बात, इसे कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। लेकिन जिस दिन मुझे आपकी अय्याशियों के बारे में पता चल गया ना, मैं आपसे झगड़ा जरूर करूंगी। कर चारू कर, झगड़ा जरूर कर, ये तेरा अधिकार है, और जो मेरे अधिकार है मैं उन पर चलता हूँ, और जो तेरे अधिकार है तू उन पर निभा। ऐसी हमारा हिंदुस्तानी समाज चलता आया है और स्मूथली चलता रहेगा। पर एक बात है चारू, आज तू लग रही है ठा। छड़ो जी, आज तो मैंने कुछ खास किया भी नहीं है। वो तो तू हमेशा ही कहती है चारू, पर घर के राशन की तरह तेरा कॉस्मेटिक का बिल हर महीने मुझे ही तो चुकाना पड़ता। इतने रोमांटिक मूड में आप राशन का बिल ले आए? ओए चारू, शादी के बाद वाला रोमांस ऐसा ही होता है,
किसी ने साची कहा है कि शादी वो रोमांस है जिसमें हीरो की मौत पहले चैप्टर में ही हो जाती है। सुनो जी, ऐसा नहीं हो सकता कि शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ दोनों खुश रह सके। एक सूरत में हो सकता है। हाय, कैसे? अगर हस्बैंड बैरा हो जाए और वाइफ अन्नी हो जाए। जो वाइफ बोलेगी वो हस्बैंड को सुनाई नहीं देगा, और जो हस्बैंड कर रहा है वो वाइफ को दिखाई नहीं देगा कि हस्बैंड कर क्या रहा है। फिटे मुंह चले कितों रब्बा। पापा पापा, आप इतने बेचैन होकर क्यों घूम रहे हैं? शादी का सूट पहनकर कहीं बेचैनी शादी करने की तो नहीं? हाँ बेटा, शादी कराने जा रहा हूँ। कब, कहाँ, किससे? हमारे बिना? अभी मंदिर में पिया जी के साथ तुम्हारे बिना ही करने जा रहा हूँ मैं शादी। पापा, रात को सपने में भगवान जी आए थे क्या? क्यों भाई? ये कहने कि बच्चा तुम्हारी शादी कभी नहीं हो सकती, इसलिए आप सुबह उठकर सबसे पहला काम शादी करने जा रहे हैं। पापा, शादी का मामला है, धैर्य से काम लीजिएगा। अरे बेटा, धैर्य से सोचकर भी शादी करके क्या गारंटी है कि शादी सफल होगी? अब मुझसे ज्यादा धैर्यवान आदमी कौन हो सकता है बेटा? सबकी रजामंदी के बावजूद साल भर से सिर्फ सोच ही रहा हूँ। 45 बार ट्राई कर चुका हूँ लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब हट जा, करने दे शादी। पापा, राइटर टेनिसन कहते हैं कि शादियाँ स्वर्ग में बनती है, और कोई लाख कोशिश भी कर ले, जिसकी शादी नहीं होने वाली होती है ना, उसकी नहीं होती है। ओ, ऐसी ही तैसी तेरे टेनिसन की। मेरी शादी तो आज ही होगी और अभी होगी। अरे वाह, क्या जज्बा है पापा, आपने तो हम बैचलर्स को भी मात कर दिया। वैसे आपको तो देखकर मुझे ऐसा लगता है ये आपकी पहली शादी है और आप लेट हो गए हैं। ओ यार, ये शादी मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो युधिष्ठिर जी, वैसे आपका तो कोई भाई भी नहीं है, फिर किसके लिए कर रहे हो? अरे बेटा, घर के बाकी लोगों के लिए जो शादी के लायक हो चुके हैं। मेरी अटकी हुई हो गई तो शायद उनकी भी हो जाएगी। पापा, मुझे लगा कि आप पिया जी से प्यार करते हैं इसलिए आप उनसे शादी कर रहे हो। ये क्या बात हुई, प्यार तो मैं पिया जी से ही करता हूँ ना यार। पापा, ऑस्कर वाइल्ड कहते हैं कि आदमी औरत के साथ तभी खुश रह सकता है जब वो औरत से प्यार ना करे तो। खबरदार खबरदार, जो तूने अपने कोर्स की किताबों के अलावा कोई और मोटी किताब पढ़ी। बेटा, ये सन की राइटर्स के सड़े हुए अनुभव हैं, इनसे हम समझदारों को क्या लेना देना। खबरदार, अब आप मानना नहीं चाहते, कभी सोच कर देखिएगा, बात तो ये ठीक ही करते हैं। अरे तुझे कैसे पता है यार, अभी कल तो तू पैदा हुआ है, अभी तो तेरे जज्बात अच्छी तरह पके भी नहीं, तू दूसरों के आइडिया से हमारी क्यों मत मारता है? जा, जाके गली के बच्चों साथ खेल। अब पापा, पहले मेरा खुद का अनुभव तो सुन लीजिए। यहाँ के लोगों को देखकर मुझे इतना तो पता चल गया है कि पागलपन की पहली निशानी प्यार है। यार बात तो कुछ कुछ सही कह रहा है। और प्यार जैसे टेम्प्रेरी पागलपन का इलाज सिर्फ शादी है। यार तू मुझे शादी के लिए इनकरेज कर रहा है या डिस्करेज कर रहा है, बात कुछ समझ में नहीं आई। मैं तो आपको अपने अनुभव से जागृत कर रहा हूँ। मत कर, क्योंकि आज तेरा कोई भी अनुभव, कोई भी दलील मुझ पर कोई असर नहीं करेगी। मेरे अंदर शादी का भूत सवार हो चुका है, मैंने सर पर कफन बांध दिया है, शादी तो बेटा होगी। ओके, एक मिनट रुक जाइए पापा, मैं मुंह धो के और चप्पलें पहन कर आता हूँ, मैं भी साथ चलूँगा। बिल्कुल नहीं, अब मैं बिल्कुल रुक नहीं सकता, मैं पिया जी को उनके घर से ही उठा लूंगा। पापा सब्र कीजिए, पिया जी आती होंगी, और आप मुझे अपने साथ एक बेटा समझ के नहीं, आशीर्वाद देने के लिए एक आदमी समझ करके ले जाइए, वरना पैर किसके छोगे? सोचिए, मैं आता हूँ। अरे यार, ये लोग कहाँ रह गए? शादियां स्वर्ग में होती हैं, प्यार सिर्फ पागल करते हैं। मेरी शादी होगी या नहीं? जरूर होगी यार, क्यों नहीं होगी, होकर रहे। यार ये कहाँ रह गए लोग, कोई आ ही नहीं रहा। किसका फोन है भाई? हेलो, क्या, कब, कहाँ? ओह माय गॉड, आप कौन बोल रहे हैं?
जी जी मैं भी आता हूँ। रुकिए तो, मेरे आशीर्वाद के बिना आपकी शादी कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं भी आ रहा हूँ। अब मैं भी पापा, पापा आपने वादा किया था आप अपनी पहली शादी हमें नहीं दिखा सके, दूसरी हमें दिखाएंगे जरूर, प्लीज पापा। बेटा मैं कहीं और जा रहा हूँ, तुम लोग यहीं रुको। हेलो, दुल्हन तो यहाँ है, अब जल्दी जल्दी किससे शादी करने जा रहे हैं? सॉरी थोड़ी देर हो गई, पर शादी तो आप मुझसे कीजिए प्लीज। भैया जी आप जरा यहाँ ठहरिए, मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ मैं, प्लीज। ये तुम्हारे पापा को क्या हुआ, आप कहाँ चले गए? पता नहीं, फोन आया, कहा कब कहाँ कैसे, ओ माय गॉड आप कौन बोल रहे हो, मैं भी आता हूँ, और वे चले गए। कहीं पापा की पुरानी गर्लफ्रेंड उन्हें ब्लैकमेल तो नहीं कर रही? तुम्हारे पापा ऐसे वैसे हैं? नहीं, पर हो भी सकता है, शादी के ऐन वक्त पर गर्लफ्रेंड का फोन आता है तभी तो दूल्हा घबराता है ना? झूठ, पापा हर स्त्री को एक बहन की नजर से देखते हैं, आपको छोड़ के। वैसे फोन तो कोई लड़के का भी हो सकता है, हमने कौन सा सुना है? आप लोग टेंशन मत लीजिए, जब से मैं पैदा हुआ तब से लेके अब तक की पापा की शराफत की गारंटी मैं लेता हूँ। आप लोग शांति से बैठिए और इंतजार करें, मैं अभी आता हूँ। पता नहीं कहाँ रह गया मीशी, शादी के लिए बड़ा उतावला हो रहा था, कहीं कारीना आए? कैसी बातें कर रहे हो पिया जी, यहाँ खड़ी हम शादी कैसे कराएंगे? कह रहा था हर हाल में शादी आज ही करूंगा, पिया जी लेट आई होंगी तो शायद कर ली हो। शादी कर रहे हैं, कोई बस थोड़ी ना पकड़ रहे हैं कि एक छूट गई तो दूसरी पकड़ ली। पिया जी आप इनकी बात पर ध्यान मत देना, ये तो बस ऐसे ही। मैं तो सोच रही हूँ सब कुछ ठीक हो, क्योंकि जिस हालत में वो यहाँ से गए हैं, इतना परेशान तो मैंने इसके पहले उन्हें कभी नहीं देखा था। नहीं देखा? परेशानियों के साथ तो वो पैदा हुआ है, ऊपर से शरीफ भी है तो परेशान तो होगा ही। पर हम तो ये सोच रहे हैं कि वो फोन हो किसका सकता है, जिसको सुनकर भाई साहब सबसे जरूरी काम छोड़कर भाग गए। इनकम टैक्स वालों का होगा, छापा मारने के लिए। जब दो नंबर के पैसे जाते हैं ना तो सब काम छोड़कर भाग जाना ही पड़ता है। अब क्या किया जाए, इंतजार के सिवा और क्या कर सकते हैं? पापा ठीक ही कहते हैं, दुनिया में दो चीजें कभी नहीं मिलती, एक वो जो तुम डिजर्व करते हो, दूसरी वो जो तुम चाहते हो। बेचारे पापा, देख देख पापा, और क्या हुआ मीशी, बोलता क्यों नहीं चिड़ी मार, तेरे हाथों के तोते क्यों उड़े हुए हैं? आ बच्चा, अच्छा बैठो। बच्चे बड़े प्यारे हैं, किसके हैं? मेरे। हमसे क्यों घबराता है यार, ये जिंदगी है, गम जो तेरे भुला देगी वो तेरी ये खुशी।